सबको नमस्कार। आज मैं आचार्य अंतरंग आनंद योगी हमारे पुरुषार्थ धर्म सभा अभियान के दूसरे चरण में, जैसे पुरुषार्थ का अर्थ है धर्म, अर्थ काम मोक्ष के लिए, पुरुष का जीवन, पुरुष यानी परम पुरुष प्रकृति जो शिव शक्ति आत्मकम ब्रह्मा, तो शिव और शक्ति मिलकर जो ब्रह्म की परिकल्पना में जो पुरुष यहाँ है वह पुरुष परम पुरुष जुड़ा है। तो मनुष्य के जीवन परम पुरुष से एकाकार होना मिलना है। तो इसमें जो चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो इस पर हम लोगों ने धर्म पर चर्चा काफी किया, अलग अलग संवाद हुए और इसके लिए धर्म सभाएं भी हुई। अब हम लोग उसके दूसरे चरण में जो अर्थ है, आज किस प्रकार अर्थ और काम, यह दोनों आज धर्म के साथ कितना प्रतिशत धर्म के साथ चल रहा है, इस पर हम लोग समझना चाहेंगे। तो आज हमारे साथ आचार्य वंदनानंद अवधूत दादा हैं, जो आनंद मार्ग के वरिष्ठ आचार्य हैं और ट्राउट जो प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी यानी प्रगतिशील उपयोग तत्व है उसके एक वरिष्ठ मतलब एक अधिकारी कह सकते हैं और कार्यकर्ता भी हैं। तो इनका परिचय वो बस ये है कि पिछले 60 वर्षों से ये संन्यास जीवन में हैं, इनकी उम्र 85 के आसपास होंगी और फिर भी वो जवान हैं और काफी सक्रिय हैं, ऊर्जावान हैं। तो आज हम लोग उनसे जानेंगे कि जो ये प्राउट है, जो जिसके प्रवर्तक श्री प्रभात रंजन सरकार जी हैं, जो एक विश्व स्तरीय मूवमेंट है, तो उसको महक जी आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। जी मजाला सर तो इसीलिए इसको हम लोग को ये समझना होगा कि आज आचार्य वंदन अवधूत दादा जो हम लोग के बीच में हैं, वह प्राउड का इंट्रोडक्शन देते हुए आज की जो मौजूदा समाज है और प्लस इसमें प्राउड में जो आध्यात्मिक इसका आधार है, इन दोनों को मिलाते हुए हम चाहेंगे कि आचार्य जी आप लोगों के सामने प्रस्तुति करेंगे और इसके बाद हम लोग जो भी हैं यहाँ पर आज प्रस्तुत हैं वो सब बने रहें और अपना अपना जो भी प्रश्न है वो प्रश्न भी आप रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आचार्य वंदना दादा आपके को सुपुर्द करते हुए कृपया आप अपनी वक्तव्य शुरू करें। सभी पार्टिसिपेंट को मेरा हार्दिक नमस्कार। राउत, जिस तरीके से आप लोगों ने सुना है, शायद उसको उस डायमेंशन में से हट करके समझना चाहिए, क्योंकि भौतिकवाद के आधार पर जो भी इकोनॉमी अभी वर्तमान में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक, आज पूंजीवादी व्यवस्था में, उसको पूंजीवादी का मतलब है कि जो अर्थ है उसी पर ही लोगों का जीवन केंद्रित हो गया है, और इतना केंद्रित हो गया है कि उससे हट करके कोई भी व्यक्ति सोच नहीं पा रहा है कि उनका जीवन कितना ही आध्यात्मिक जीवन है, और उससे हट करके सोचने की कोई व्यवस्था भी दिखाई नहीं पड़ती है। और अभी ऐसा है कि जो छोटा, जो थोड़ा सा बिजनेस करता है, जैसे कि ठेले में यदि बेचने वाला व्यक्ति है, सुबह से शाम तक ठेले में बैठ के बेचता है, और जो बहुत बड़ा कारपोरेट के मालिक है, और दोनों में की मानसिकता में कोई अंतर नहीं है, दोनों की जो
मेंटल थिंकिंग है वो पैसे के बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए जो नीचे स्तर के लोग हैं, जिनको उनकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं अपने जीवन का, व्यक्तिगत जीवन का या पारिवारिक जीवन का, उसको चलाने के लिए या मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए उनको साधन नहीं मिल रहा है और वो स्ट्रगल कर रहा है। इसके चलते वह अपने जो जीवन की जो साइकिक लेवल है या सुप्रा साइकिक फैकल्टी है या उससे भी साइको स्पिरिचुअल फैकल्टी है, उसको वो समझ नहीं पा रहा है, कर भी नहीं पा रहा है ये। मगर जो बड़े हैं, जो करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के और मिलियंस ऑफ डॉलर या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के मालिक हैं, वो भी सोच नहीं पा रहा है, इसलिए उनका भी साइको स्पिरिचुअल या साइकिक सब्लिमेशन के लिए उनके पास भी कंसेप्ट नहीं है। तो धन प्रधान जो एक सामूहिक चिंतन धारा में समाज यदि बंध जाए तो उसे तो हट करके सोचना होगा, और इसी के लिए श्री प्रभात रंजन सरकार ने ये प्रावध को प्रतिपादित किया। और इसमें आप लोगों को मैं थोड़ा सा उसकी भूमिका तैयार करते कहूँगा, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी माने एक एक इट इज नॉट ओनली ए इकोनॉमिक थ्योरी, बट आज जैसे मुझे कहा गया है कि आप इकोनॉमिक आस्पेक्ट पे थोड़ा सा आप रखेंगे तो मैं उसको बहुत अच्छा सा रखने का प्रयास करूँगा। ऐसे मैं क्लासिकल इकोनॉमी का स्टूडेंट नहीं हूँ, मगर प्राउथ पर मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को मैं इस क्षेत्र में जो प्राउथ की जो है इकोनॉमिक आस्पेक्ट, उसको मैं आप लोगों को समझने में मदद करूँ। कहा जाता है कि सहतु भवति दरिद्र यश आशा विशाला, मनसी जा परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्रा। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, मगर उस इच्छा को जो अनंत की ओर जाना चाहिए, यदि उसको सीमित वस्तु के तरफ अपनी आशाओं को बांध दे, अपनी इच्छाओं को केंद्रित कर दे, तो फिर वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो गरीब ही है, चाहे वो ट्रिलियंस ऑफ रुपीज का मालिक क्यों ना हो। यदि वो व्यक्ति हर बार अपने जीवन में 24 घंटा और 12 महीना और जीवन पर्यंत वो यदि इकोनॉमी के बारे में सोचता है कि मुझे अधिक से अधिक धन मिल जाए और मैं इसको और मल्टीप्लाई करूं, तो वो गरीब है। इसलिए और जो व्यक्ति यदि मन से संतुष्ट है, क्योंकि यदि उसकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो तत्व तो हैं, फैक्टर्स हैं, वो यदि मिल जाए तो वो व्यक्ति बहुत धनवान है। इसलिए प्राउथ की जो व्यवस्था है बहुत अच्छा है, मैं आप लोगों को सामने में रखना चाहूँगा। एक तो है कि थोड़ा सा और 2 मिनट बोलना चाहूँगा, प्राउथ ही एक ऐसा आनंद मार्ग का फैक्ट माने कंट्रीब्यूशन का, किसी प्रभात रंजन सरकार का, जिस कारण से श्री प्रभात रंजन सरकार बहुत कंट्रोवर्सी में आया, बहुत कंट्रोवर्सी में, और इतना कंट्रोवर्सी में आया कि उनको गलत चार्ज में जेल में भी डाल दिया, और उसके डालने के पीछे में बहुत बड़ा इंटरनेशनल एजेंसी ने काम किया है। उस वक्त इंडिया की जो सरकार थी, अब चाहे वो रशिया की सरकार थी, चाइना की सरकार थी, इवन अमेरिका, तो जितने भी ये जो पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित, क्योंकि वर्तमान समय में जो प्रजातंत्र है, चाहे वो रशिया में भी क्यों ना हो, चाइना में भी क्यों ना हो, या और डिफरेंट कंट्रीज में क्यों ना हो, वो सभी कैपिटलिस्टिक थिंकिंग पर और उसकी ही पैटर्न पर गवर्न करती है या अपना जीवन चला रहे हैं। इवन जो रिलीजियस सेंटिमेंट पर आधारित जितने भी कंट्रीज हैं, वह एक रिलीजन के एक प्रकार का आवरण है,
मगर उसके पीछे में भी पैसा कमाने का ही उद्देश्य है, और दे वांट टू मल्टीप्लाई द इकोनॉमी एंड दे वांट टू हैव द ओनरशिप ऑन द रिसोर्सेस, चाहे किसी भी स्तर पे उनको जाना पड़े। तो श्री प्रभात नंदन सरकार ने जिस तरीके से एक प्राउड की उत्पादन किया, तो जितने भी एक कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट है, चाहे वो टू पार्टी डेमोक्रेसी हो, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हो, क्योंकि राजतंत्र और या प्रजातंत्र या और अर्थतंत्र, ये दोनों साथ चलता है। ये दोनों के मैंने एक बहुत बड़ा इसमें कह नहीं सकता है, यदि कोई राजा भी होते थे वह भी इकोनॉमी को अपने हाथों में लेता था, और आज जो है पूंजीवादी व्यवस्था में वह भी अपने हाथों में लिया हुआ है। और जब पूंजीवादी व्यवस्था कंसंट्रेट हो जाती है और वह समाज का एक कलेक्टिव थिंकिंग का मोटिवेशनल फोर्स हो जाता है, या मोटिवेटिंग या डोमिनेटिंग फोर्स हो जाता है, तब उसके बाद वो जो प्रजातंत्र है वो प्रजातंत्र नहीं रह जाता है। उसी तरीके से चाहे वो सिंगल पार्टी हो, जैसे चाइना है, देर इज नो डेमोक्रेसी, द पीपुल हैव नो राइट टू से एनीथिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। इसी तरीके से चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे छोटा सा देश क्यों ना हो। और तो श्री प्रभात रंजन सरकार ने जब प्राउथ दिए तो वो बहुत कंट्रोवर्सी में आया, और आप अब तो प्राउथ की चर्चाएं हर जगह हो रही है, क्योंकि प्रजातंत्र ने जिस तरीके से मैं प्रजातंत्र में इकोनॉमी ने जिस तरीके से ह्यूमैनिटी का हनन किया है, और श्री प्रभात नंदन सरकार में प्राउथ में वो कहते हैं कि ह्यूमैनिटी का मतलब सिर्फ ह्यूमन बीइंग से नहीं है, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है उसमें और भी इंक्लूड किए हुए हैं, जो कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जानवर, फ्लोरा एंड फौना, मतलब फ्लोरा एंड फौना जो है यह भी ह्यूमैनिटी का पार्ट है। उन्होंने इसको ह्यूमैनिटी का डिफिनेशन को बहुत अच्छा सा एक्सटेंड किया कि मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है, जीवित नहीं रह सकता है, चाहे किसी भी कंट्री का हो, चाहे किसी भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो जीवित नहीं रह सकता है। दे कैन नॉट सस्टेन देयर लाइफ विदाउट फ्लोरा एंड फौना, मगर फ्लोरा एंड फौना मनुष्यों के बिना रह सकते हैं, इस पृथ्वी पे जिंदा रह सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा एक इकोनॉमी में इस बात को रखे हैं, जो समय मिलेगा तो मैं आप लोगों को, उन्होंने इसलिए उनका पीपुल्स इकोनॉमी एंड साइको इकोनॉमी, अभी तक से वर्ल्ड में दो इकोनॉमी को लेकर के चर्चा होती है और वो प्रैक्टिस में भी है, एक है कॉमर्स इकोनॉमी और दूसरा है जनरल इकोनॉमी, मगर श्री प्रभात चंद्र सरकार ने प्राउथ में बात कही है पीपुल्स इकोनॉमी एंड साइको इकोनॉमी, जिसकी चर्चा अच्छा सा प्राउथ में किया गया है। तो उस पीपुल्स इकोनॉमी में फ्लोरा एंड फौना को भी स्थान दिया गया है। क्यों? क्योंकि आज वर्तमान समय में पूंजीवादी व्यवस्था में मनुष्य बहुत ही दुखी है, जैसे पानी का अभाव हो गया, फिर इसका कारण यह है कि हमारा जो प्रकृति के साथ हम लोगों ने खेलना शुरू, इन्वायरमेंट हमारा बहुत बिगड़ गया है, इकोलॉजी हमारी बिगड़ गई है, और इसके चलते हमारे व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रभावित हो रहा है, हम बहुत सी बीमारियां आ रही है, और हमारा बहुत नेचुरल कैलामिटीज हो रहे हैं, और ये जो प्राकृतिक जो विपदाएं आ रही है, ये आपदाएं आ रही है, इसके पीछे में कारण क्या है? कारण है मनुष्य अपने आप को एक भूल गए हैं कि और भी लोग हैं जो कि इसका एक माने दे आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द कलेक्टिव लाइफ एंड दे हैव ऑल्सो राइट टू एग्जिस्ट टूगेदर इन हारमोनी विद ईच अदर। ये जो भावना जब तक से नहीं रहेगी, तो आज आप लोग देख सकते हैं
कैसी कैसी घटनाएं घट रही है, इसके लिए मनुष्य का थिंकिंग और ही दोषी है। तो प्रभात रंजन सरकार ने इस बात को बहुत गौर किया है। तो प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी मैंने का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, और प्रोग्रेसिव का मतलब ये हुआ कि रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं अब वो डिफाइन करते हैं। रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि जो हम रिसोर्स किसको कहते हैं, जिसका हम यूटिलिटी वैल्यू समझ गए। बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसकी हमने यूटिलिटी वैल्यू नहीं अभी समझ पाया है, अब उसका हमारा एग्जिस्टेंस है, दे एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट, बट वी डोंट नो बिकॉज मनुष्य अपनी बुद्धि से किस चीज का उपयोग करना जानता है, और उपयोग करने के लिए उसको सुख लेने के लिए अपने टू गेट द प्लेजर वो एक्सप्लोर करता है किसी मंडेन या सुप्रामंडेन या फिजिकल एंड मेटाफिजिकल, ये चार जो है। मैं स्पिरिचुअल की बात बाद में करूंगा, क्योंकि श्री प्रभात नारायण सरकार प्राउथ में कहते हैं कि जो मंडेन रिसोर्सेज हैं माने जैसे कि मिनरल्स हैं, ये मंडेन में आता है, पानी है ये मिनरल्स, ये आपका मंडेन में आता है। उसी तरीके से हवाएं हैं, हवा को भी हम, सूरज की किरण है ये भी मंडेन में आता है। और सुप्रामंडल में क्या है, सुप्रामंडल में एक ऐसा भी है जो इस मंडेन से भी ऊपर है, जिसको उन्होंने कहा है एक स्पिरिचुअल लेयर का सुप्रा साइकिक एक फैकल्टी है, जो मनुष्य उसको समझता है और मनुष्य उसको जानता भी है मगर उसका उपयोग करने में असमर्थ है। तो मंडेन मतलब जो फाइव फैक्टर्स हैं जिसका मैंने अभी चर्चा किया, पृथ्वी है और उसके बाद ये मिनरल्स हैं माने नॉन लिविंग, और फिजिकल में उन्होंने डिफाइन करते हैं कि एक पेड़ पौधे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, और उसके बाद जानवर और मनुष्य। मनुष्य को उन्होंने एक अच्छा सा कैटेगरी में रखा है। तो ये यहाँ से लेकर के नीचे से माने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर के एक जानवर तक, जो कि हम मनुष्य नहीं कह सकते हैं मगर वो जानवर हम कहते हैं, इसको उन्होंने एक माना है रिसोर्सेज। ये है फिजिकल, मंडेन मीन्स नॉन लिविंग और फिजिकल मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म अप टू एनिमल्स नॉट टू ह्यूमन। और मगर ह्यूमन को भी उन्होंने कहा है इसका भी, ये इसको रिसोर्सेज हैं, इसका भी रिसोर्सेज का हमको उपयोग करना है। तो मनुष्य जान नहीं पाता है, जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, आज हमारे पास मोबाइल को हम लोगों ने इतना एक इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोगों ने लाइफ में स्वीकार कर लिया, आज से 25 साल 30 साल 40 साल पहले इसका कोई वैल्यू हम लोग जानते भी नहीं थे, मगर हमारा जो एक मन का एक अति मानस कोष लेवल पे माने एक पिनाकल स्टेज में हमारा माइंड जब चला जाता है तो हम एक नई चीज एक्सप्लोर करते हैं, और एक्सप्लोर करते हैं तो उसके पीछे में एक हिडन फीलिंग होती है टू गेट द प्लेजर, टू गेट द हैप्पीनेस, और उसको फिर हम अपना रिसोर्सेज मान लेते हैं, और जो रिसोर्सेज मान करके फिर हम उसको एक्युमुलेट करना चाहते हैं, उसको हम अपना अधिकार बताते हैं। तो प्राउड कहता है कि जो मंडेन है और फिजिकल है और मनुष्य का शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक है, ये जो रिसोर्सेज हैं, तो उनका कहना है कि ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यू डज नॉट मीन ओनली द वैल्यूज विच वी कंसिडर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फॉर ह्यूमन बीइंग एज वी कंसिडर टुडे, एज वी एक्सेप्ट टुडे, बट इवन द एनिमल्स, मैंने कहा था न्यू ह्यूमैनिस्टिक, या मैं कह सकता हूँ न्यू ह्यूमैनिस्ट का मतलब होता है वी शुड एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंशियल वैल्यूज ऑफ ओ दोज हु हाउ आर एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑल्सो, दे हैव द वैल्यूज इन द होल कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर।
मगर मनुष्य क्या करता है, जिसको वो एक्सप्लोर करता है, जानता है कि ये एक रिसोर्स है और मुझे उसका यूटिलिटी वैल्यू मैं समझ गया हूँ, उसको एक्युमुलेट करना चाहता है। राउत कहता है कि नहीं, आपको एक्युमुलेट करने का अधिकार नहीं है। इसलिए राउत का पहला सूत्र है कि नोबडी इज अलाउड टू एक्युमुलेट एनी फिजिकल वेल्थ विदाउट द परमिशन ऑफ द कलेक्टिव बॉडी। दिस इज द फर्स्ट सूत्रम ऑफ आनंद राउत के सूत्र है, 16 सूत्र है, उसमें पहला सूत्र यही है, संस्कृत में गुरुदेव ने दिया हुआ है। तो मनुष्य एक्युमुलेट करना चाहता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ऐसा नहीं है। मैं पहले ही कहा था कि इच्छा है उनकी अनंत को पाने की। अनंत को पाने के लिए जो इंद्रिय ग्राही है या इंद्रिय सुख की चीजें हैं, जिसको हम कह सकते हैं मानसिक अभोग, मानसिक अभोग लेता है इंद्रियों के सुख के माध्यम से, उसको वो एक्युमुलेट करना चाहता है, इकट्ठा करके रखना चाहता है, होल्ड करके रखना चाहता है। मगर जो रिसोर्सेज हैं, जो मंडेन रिसोर्सेज हैं या जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, बहुत लिमिटेड हैं। ये ऐसा नहीं है कि पृथ्वी, हो सकता है दूसरे प्लेनेट में भी हो और आदमी एक्सप्लोर कर रहा है अपनी उसी इच्छा के कारण कि मुझे भी वहां जा करके अपनी सुख सुविधाओं को मैं एक्युमुलेट करूं। मनुष्य के स्वभाव है सुख पाना, और सुख को जब वो मंडेन या टू सम एक्सटेंट सुपरा मंडेन एंड फिजिकल मीन्स ये फ्लोरा एंड फौना, और अपने मानसिक माने साइकिक लेवल पे उसको जो सुख मिलता है आप भोग के माध्यम से, मैंने पेबुला के माध्यम से, पेबुला मीन्स टू ऑक्यूपाइड एनी आइडियाज और एनी नॉलेज और एनी कंसेप्ट और एनी थिंग्स विच जनरेट दी हैप्पीनेस टू द इंडिविजुअल, दैट इज नोन एज अभोग, उसको वो एक्युमुलेट करता है। अब प्राउड कहता है कि नहीं, एक्युमुलेट मत करो, यूटिलाइज करो, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है और हर मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। अब उस अनंत की इच्छा को पूर्ति करने के लिए मंडेन और फिजिकल ये दोनों को यदि वो एकुमुलेट करना चाहें तो इंटर एंड इंट्रा कन्फ्लिक्ट होता है। इंटर एंड इंट्रा कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि मनुष्य एक समझदार प्राणी है, मतलब उनके पास इंटेलेक्ट है, हम उसको जानवर नहीं कह सकते हैं, और वो अपनी इस समझदारी को, नॉलेज को, में रेशनैलिटी नहीं आती है। और रेशनैलिटी का मतलब होता है कि वह अपने नॉलेज का एक प्रोग्रेसिवली यूटिलाइज नहीं करता है, एक प्रोग्रेसिव ऐसे प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी है, मैं इसको सामने में रख करके बोलूंगा। तो उनका कहना है, प्राउत का कहना है कि मनुष्य अपनी इंटेलेक्ट को, अपने इंटेलेक्ट का विजडम के मुताबिक, जिसको प्रज्ञा का नाम देते हैं, प्रज्ञा मतलब मनुष्य जब प्रज्ञा होता है तो को अर्थवान को दरिद्र, आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट यदि मिल जाए, और उनका कहना है कि रिक्वायरमेंट, मनुष्य का रिक्वायरमेंट जो है बहुत ही थोड़ा है, बहुत छोटा है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है। सोने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको जो है वो चाहिए, और मेडिसिन चाहिए, और एजुकेशन बच्चों का चाहिए, नॉलेज चाहिए, माने योर नीड इज लिमिटेड, बट अवर डिजायर हैज मल्टीप्लाइड मैनी टाइम। अभी द रिजल्ट, हम अपनी नीड को बढ़ा दिए हैं जिसकी हमको जरूरत नहीं। तो रिसोर्सेज मैंने आपके सामने में रखा, उस रिसोर्सेज को एक फेस वैल्यू दिया गया है, फेस वैल्यू दिया गया है न्यू ह्यूमनिस्टिक या ह्यूमन फेस में, उसको ह्यूमन वैल्यूज उसको सामने में रखा गया थे। इकोनॉमी एक वो नहीं है कि इकोनॉमी इज ए फैक्टर विच वी नीड, बट इट शुड नॉट बी ऑक्यूपाइड बाई द इंडिविजुअल एंड एक्युमुलेटेड टू द ग्रेट एक्सटेंट एंड रेस्ट ऑफ द पीपुल आर डिफ्राइड। कल मैं पढ़ा था, कहाँ था कि सही है मैं नहीं जानता हूँ, मेरे को एक मैसेज आया था कि टू
2.25 lakhs of Indian people are have the accumulated more than 70% of the टोटल वेल्थ। अब इतना में हमारा 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से 2.25 लाख आदमी 70% टोटल रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं, बाकी जो है डिप्राइव्ड है। तो प्राउड कहता है, पहला ही उसका प्रिंसिपल है कि नो बडी शुड क्लेम दैट ही आर सी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। दिस इज वन थिंग। क्यों? क्योंकि है भी नहीं ओनर कोई भी चीज। कहता है, प्राउड कहता है, आप किसी को बना नहीं सकते। आप जब कुछ पैदा ही नहीं कर सकते हो तो आप उसके ओनर कैसे हुए? पैदा भी करते हो, मान लिया आप मोबाइल भी बनाते हो, मशीन बनाते हो, या कोई प्लेन भी बनाया, कुछ भी बनाते हो, तो प्रकृति के रिसोर्सेस के माध्यम से ही बनाते हो। आप अपना इंटेलिजेंस को या अपने नॉलेज को अप्लाई करते हो, मगर वह भी नॉलेज आपका नहीं होता है। नॉलेज भी आपने एक्वायर किया है एक क्लैश एंड कोहिजन से, या एक प्रोसेस में कि हाँ, आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले या 200 साल पहले जो मनुष्य का इंटेलेक्ट था वो उतना विकसित नहीं था जितना आज है। हर व्यक्ति, और हम तो कहेंगे, आप लोग भी महसूस करते होंगे कि आपका जो बच्चा है, कभी कभी आप महसूस करते हैं आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये जो इंटेलिजेंस जो है, इट शुड बी यूटिलाइज फॉर दी पर्पस ऑफ कलेक्टिव इंटरेस्ट। ये प्राउड का कहना है, इसीलिए बोला ना कि फिजिकल मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल मीन्स दैट विच इज नॉट फिजिकल बट रिलेटेड टू दी साइकिक, एंड साइकिक मीन्स पिनाकल साइकिक, तो उसमें हमारा इंटेलेक्ट डेवलप करता है। इंटेलेक्ट डेवलप करने से हमको विजडम आती है, और उस विजडम को, उस इंटेलेक्ट को हम यदि उपयोग करें फिजिकल एक्युमुलेशन के लिए, तो ये हमारी कंट्राडिक्शन पैदा करता है। अब मान लीजिए आपको गाड़ी चलाना है, जस्ट आई एम गिविंग एग्जाम्पल, और हर 50 फीट पे एक ब्रेक, क्या बोलते हैं, स्पीड ब्रेकर लग जाए, है ना, तो आप कैसे फील करेंगे? वो हर हर 50 फीट पे एक स्पीड ब्रेकर है, आपको तो जाना चाहिए 100 की स्पीड में, 120 की स्पीड में। मनुष्य जो है स्पेस को कंट्रोल करना चाहता है, और टाइम फैक्टर को, मनुष्य का मन का है, दे वांट टू कॉन्कर दी प्ले ऑफ द टाइम, द मेजरमेंट, मेंटल मेजरमेंट एंड स्पेस। ये एक बहुत बड़ा मनुष्य का इच्छा है। इसीलिए एक समय था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हिंदुस्तान में जाने पर महिलाओं लग जाता था, और आज घंटा भी नहीं लगता। अमेरिका जाने के लिए या यूरोप में जाने के लिए आप जाएंगे डायरेक्ट, तो 5-6 घंटे में पहुंच जाते हैं, या 10 घंटे में पहुंच जाते हैं अमेरिका, क्योंकि आप यू वॉन्ट टू कॉन्कर। क्योंकि वो मनुष्य के जो इंटेलेक्ट है मेटाफिजिकल लेवल पे, वो उपयोग करना चाहता है। तो प्राउड क्या कहता है? प्राउड कहता है कि मनुष्य को अपना फिजिकल मीन्स बॉडी, जो हमारा जो फिजिकल बॉडी है, एंड देन मेटाफिजिकल मीन्स विद द हेल्प ऑफ माई बॉडी एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, मैं जिसके क्लैश एंड कोहिजन से मैं उसको नॉलेज डेवलप किया हूँ, उसका भी मैं ओनर नहीं हूँ, उसका भी मालकियत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने क्लैश एंड कोहिजन से अपना ज्ञान हासिल किया है, अपना खाना पीना भी जीवन को मैंने चला रखा है, आई वो एवरीथिंग टू द सोसाइटी। अब प्राउड कहता है सोसाइटी मीन्स लिविंग टुगेदर। लिविंग टुगेदर डज नॉट मीन जस्ट ह्यूमन बीइंग, बट लिविंग टुगेदर मीन्स ऑल, इवन दी इकोलॉजी और इंटरनल फ्लोरा एंड फौना, पेड़ पौधों को भी कहते हैं। तो कहते हैं, बहुत बहुत समय के है, मिलेगा तो मैं आप लोगों को एक सीरीज ऑफ क्लासेस दे सकता हूँ, एंड दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। जब कभी भी प्लानिंग मनुष्य को करना चाहिए, तो 3-4 चीजों का इकोनॉमिक प्लानिंग है, मैं बताऊँ डेवलपमेंटल प्लानिंग का है प्राउड का। तो पहला ये कंसिडर करिए कि मेरे साथ में, मनुष्यों के साथ में, हम पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े को भी कैसा प्रिजर्व करें और उसकी व्यवस्था कर सकें। और उसके लिए जो प्राउड का जो इकोनॉमी का जो
एक प्लानिंग, डेवलपमेंटल प्लानिंग है, उसमें कहा जाता है कि 1/3, एक जस्ट रफली क्या है, 1/3 द टोटल लैंड ऑफ दिस अर्थ शुड बी प्रिजर्व फॉर दी फ्लोरा एंड फौना। 1/3 टोटल, जैसे हिंदुस्तान है अभी, हिंदुस्तान में या एक प्लानिंग है कहाँ, हिंदुस्तान में तो पता नहीं अभी क्या है, या वहां पर जो अमेजन है उसको तो इतना माने बेरहमी से यूरोपियन कंट्रीज और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के लोग जा करके काटे जा रहे हैं, और वो अर्थ का लंग्स है। जिस दिन वहाँ का पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो इस अर्थ को बचाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसी तरीके से दिल्ली है, आप लोग जानते हैं, जहाँ शहर में रहते हैं कहाँ पेड़ है, दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसका बहुत से कारण है, मैं उस पर आऊंगा कभी। ये बहुत बड़ी कैपिटलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, इसका बहुत बड़ा डिफेक्ट है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज इन ए हैंड्स ऑफ फ्यू पीपुल दैट लीड्स टू द कंट्राडिक्शन और स्टेटिसिटी, वो जड़ता की ओर ले जाता है, और जब स्टेटिसिटी या कंट्राडिक्शन पैदा करता है तो फिर क्लैश होता है। फिर क्लैश होने से दो क्षेत्र में होता है, इंटर एंड इंट्रा। इंट्रा मीन्स मनुष्य मनुष्य को मारेगा, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर हावी हो गया है, और ये है इंट्रा। और इंटरनल का मतलब होता है, इंटर का मतलब होता है हम पेड़ पौधों को भी मार रहे हैं, जानवरों को भी मार रहे हैं, और मंडेंस रिसोर्सेज को भी हम खत्म करने में लगे हुए हैं बहुत से हमारा, जबकि जरूरत नहीं हमको, वी डोंट नीड इट, हम करते जा रहे हैं। तो ये प्राउड की जो इकोनॉमी है, इट इज ए वेल मैनेज, आई मीन वेल कैलकुलेटेड, एक बैलेंस। अच्छा, मजेदार किया, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कलेक्टिव मैनेजमेंट, ओनरशिप शुड बी कलेक्टिव, एंड ओनरशिप इन द सेंस वी आर टू मैनेज द इकोनॉमी कलेक्टिवली। आजकल बहुत आता है भाई, कोऑपरेटिव कराना चाहिए, करना चाहिए, मगर राउत की जो कोऑपरेटिव का पैटर्न है वो बहुत सुंदर है भी। मैं आप लोगों को, समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा, कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेटिव, बट द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव हैव द इक्वल राइट टू वोट। ऐसा नहीं है कि आपका उसमें शेयर ले लिए हैं उस कोऑपरेटिव में ज्यादा, तो आपको ज्यादा आपको वोटिंग राइट है, और एक व्यक्ति यदि कम है तो उसको कम ही वोटिंग राइट है। नहीं, दोज हु आर द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव, एवरी वन हैज ओनली वन वोट। ये प्राउड का कहना है, चाहे वो एग्रीकल्चर में, और मैं आपका समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि एग्रो इंडस्ट्री या फार्मिंग इंडस्ट्री और इवन एग्रो माने रिको इंडस्ट्री और इवन एवरीथिंग शुड बी एज फार एज पॉसिबल ब्रॉट इनटू दी फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेटिव, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे सप्लाई हो, चाहे कंजम्पशन हो। इसमें क्या है, सभी का इन्वॉल्वमेंट होगा, और कोऑपरेटिव को हमें करने के लिए मनुष्य को एक नैतिकता की आवश्यकता पड़ती है, और नैतिकता जो है वो कोई बहुत बहुत बड़ी चीज नहीं है। बहुत बड़ी चीज इन द सेंस कि नैतिकता नहीं आ सकती, सो बात नहीं है, इट कैन बी वेरी इजिली इम्प्लीमेंटेड एंड पीपुल कैन एक्सेप्ट इट ग्रेजुअली, नहीं ग्रेजुअली बट वेरी सून। ओनली द फैक्टर इज कि मनुष्य जो है सेल्फ सेंटर हो गया, और या मैटर सेंटर हो गया। सेल्फ सेंटर मीन्स आई मस्ट ओन दिस मच प्रॉपर्टी एंड आई मस्ट हैव द राइट टू ओन इट। तो जो कैपिटलिस्टिक पैटर्न में क्या है, ओनरशिप जो है एक इंडिविजुअल के हाथ में, और वो एक्यूमुलेट करता। मुझे एक आदमी मिला तो बोला कि अब स्वामी जी आप जहाँ जाना चाहते हैं ना, वहाँ पर कुल्लू मनाली में, हम बोलिए क्या है, तो वहाँ मेरा एक फ्लैट है खाली पड़ा हुआ है, आप जा सकते हैं। फिर उन्होंने धर्मशाला की भी बात की, फिर शिमला की भी बात की, नैनीताल की बात करी, और मतलब मैंने कहा कि हाउ मेनी प्लेसेस यू हैव योर ओन बिल्डिंग, तो बोला 16 इन इंडिया। मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप वहाँ पे, तो बोले भाई आई हैव एवरी राइट टू बिल्ड अप बिल्डिंग ऑफ माई ओन। ये जो
में है, ये कलेक्टिव मैनेजमेंट की घटना है, क्योंकि आप नाउ फिर हिस्ट्री और मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, प्राउथ में इकोनॉमी शुड बी मैनेज कलेक्टिवली, और ये ख्याल रखना है जब प्लानिंग शुड बी डन बाय द लोकल पीपल, मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, एंड इन्वॉल्वमेंट शुड बी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, गवर्नमेंट इन द सेंटर और गवर्नमेंट इन द स्टेट शुड ओनली गेट देम सेल्फ इन्वॉल्व टू सी दैट द इकोनॉमी मैनेज बाय द लोकल पीपुल आर वेल मैनेज, दैट्स ऑल। दे विल हैव ओनली लुक एंड टू द मैटर वेदर इट इज बींग मैनेज और नॉट एडमिनिस्ट्रेटिवली, बट नॉट इंटरफियर कि यहाँ पर ही आपको हम इंडस्ट्री खोलेंगे, जगह जगह में जा करके इकोनॉमी का कौन कर रहे हैं, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जा करके कहीं पर भी। इसका परिणाम क्या हो रहा है, द पीपुल आर जस्ट हैव बिकम व्हाट आई सोल्ड दिस स्टूल इन देयर हैंड, और ये चल करके क्या होता है, इमोरलिटी को या करप्शन को या मिसमैनेजमेंट को या ये कहना चाहिए साइकोफेंसी को, या इसको प्रमोट करता है। इसीलिए प्राउड कहता है कि मैं प्लानिंग शुड बी डन एट द लोकल लेवल, उसको उन्होंने कहा है ब्लॉक लेवल प्लानिंग, और उसके बाद ब्लॉक लेवल प्लानिंग के बाद दो तीन ब्लॉक मिलकर के भी देखते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर वो कहते हैं कि उड़ीसा है, या उड़ीसा में दो चीजें हैं, एक है उत्कल एक है कौशल। उत्कल का जो इकोनॉमी कमजोर है इन कंपेरिजन विद कौशल, कौशल में सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं। अब उसको कौशल के जितने भी इकोनॉमी हैं मोर और लेस आउटसाइडर ही मैनेज कर रहे हैं, ओन कर रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी जो चला रखे हैं वहां पर, माइंस की ओनरशिप ले लिए हैं जिसको वो बाहर के लोग हैं, और वहाँ के लोगों का हेल्थ पर असर पड़ रहा है, रिसोर्सेज आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, चाहे 10 साल के लिए 20 साल के बाद उसको छोड़ के चले जाएं, खाली कर देंगे, उसको कोई मतलब नहीं है। तो प्राउड कहता है द पीपुल लिविंग इन दैट एरिया, कौशल क्षेत्र, दे शुड सिट टुगेदर एंड प्लान हाउ वी कैन मैनेज इकोनॉमी हियर, कीपिंग द नीड्स ऑफ द लोकल पीपुल, एंड पीपुल मीन्स नॉट ओनली द पीपुल ह्यूमन बींग बट फ्लोरा एंड फौना, उसके मुताबिक प्लानिंग करें। अब कहेंगे कि भाई इस मैंने उत्कल का, अब जितने भी पॉलिटिकल जो वहाँ का है लीडर्स हैं मोस्टली उत्कल से हैं, जैसे कि झारखंड में था और बिहार में था, तो बिहार के लोग ही झारखंड रांची के सभी चीजों को चलाते थे, अभी भी वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज हैं आउटसाइडर्स हैं, उसके जैसे छत्तीसगढ़ में भी है आउटसाइडर्स हैं उसके रिसोर्सेज। तो प्राउड कहता है नो आउटसाइडर शुड बी अलाउड टू मैनेज द इकोनॉमी ऑफ दैट एरिया, और इस क्षेत्र में भारतवर्ष में हर इकोनॉमिक जोन अपने आप में वेल वेल सफिशियंट, आई मीन सफिशियंट है कि वहाँ का लोगों को और वहाँ के फ्लोरा एंड फौना को डेवलप करने के लिए, जैसे कि पंजाब है या हरियाणा है। बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, शायद आपको बड़ा ताजुब होगा। प्राउड के मुताबिक हरियाणा में दिल्ली शुड बी इंक्लूडेड इन द हरियाणा, क्योंकि दिल्ली का कोई रिसोर्सेज नहीं है। यदि काल मल हरियाणा वाले या पंजाब वाले या यूपी का जो है ये वाले, और यदि देना बंद कर दें कोई भी चीज़ें, तो अपने आप में वो सस्टेन नहीं कर सकता है। अब आप कहेंगे तो नेशनल कैपिटल है, नेशनल कैपिटल में आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए, वहाँ का एग्जाम्पल देखिए कि अब है ना चंडीगढ़ में तो दोनों का कैपिटल है, वहाँ पर कैसे मैनेज कर रहे हैं, मैं उतना ज्यादा नहीं जानता हूँ डिटेल में। व्हाट आई मीन टू से, सोशियो इकोनॉमिक नीड इज टू बी टेकन इन कंसिडरेशन टू डिमार्केट द एरियाज सो दैट नन ऑफ द स्मॉल यूनियन एरिया कैन बी लेफ्ट बिहाइंड इन एज रिगार्ड द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि दिल्ली में कोई है नहीं इसकी इकोनॉमी, इसका कोई रिसोर्सेज नहीं, तो दूसरे भी डिपेंड कर रहा है ना। मगर ऐसा नहीं है, नेचर के मुताबिक
ऐसा क्षेत्र बनाया हुआ है कुदरत ने कि हर जगह अपने आप में इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली नॉट टू बी कंसिडर ओनली जस्ट रिसोर्सेज ऑफ मंडेन एंड फिजिकल, बट देयर आर मेनी इवन बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े थिंकर्स, बड़े बड़े प्लानर्स, बड़े बड़े एग्रीकल्चरिस्ट भी रिमोट विलेजेस में बैठे हुए हैं, मगर उनका हम उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। बड़े बड़े जितने भी साइंटिस्ट हैं, या मैंने मैंने कहना चाहिए, उनका हम उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, लोकल में वैसे ही बैठे हुए हैं। उनको तो वहां पर जाना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो उसको यदि डिसेंट्रलाइज प्लानिंग कर दिया जाए, से फॉर छत्तीसगढ़ का, अब छत्तीसगढ़ में मिनरल्स जो है वो बाहर के लोग रखे हुए हैं, और वो एक जो है वो आउटसाइडर ही है, वो छत्तीसगढ़ में भी है, कौशल में भी है, और झारखंड में भी है, एक ही आदमी बैठा हुआ है दिल्ली में, और ओनरशिप ले लिया है वहां का रिसोर्सेज को। अब उसको कोई मतलब नहीं है कि छत्तीसगढ़ का एरिया बर्बाद हो जाए, वहां का पानी बर्बाद हो जाए, वहां की हवा बर्बाद हो जाए, वहां के लोगों का हेल्थ बर्बाद हो जाए, उसको कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से वो 10 साल 15 साल हो तो रिसोर्सेज को एक्सप्लाइट कर लेगा, यूज कर लेगा अपनी गेन के लिए, सिटिंग इन दिल्ली आर सिटिंग समवेयर इन जयपुर आर सिटिंग समवेयर एंड एंजॉय कर रहा है वो, किसको, दूसरे की रिसोर्सेज को। राउत कहता है लेट ए वन पर्सन गोज इन टू वन दैट एरिया एंड मर्ज हिज ओन इंटरेस्ट इन टू द इंटरेस्ट ऑफ दैट एरिया एंड ही शुड नॉट बी अलाउड टू हैव अनदर इंडस्ट्री और अनदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अदर सोशो इकोनॉमिक जोन, इज वेरी क्लियर इन प्राउड। क्योंकि वो वहां जाके बैठेगा और बैठ करके वो सोचेगा कि मैं यहाँ का निवासी हो गया हूँ, अब मुझे यहाँ का छत्तीसगढ़ के निवास का मदद करना है, क्योंकि मेरे परिवार यहीं रहेंगे, सब कुछ यहीं रहेंगे, मुझे यहाँ का हेल्थ है, एजुकेशन है, फिर उसके बाद उनका क्या नाम है, फिजिकल नीड्स है, साइकिक डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, मैं यहाँ का इंटरेस्ट के साथ मर्ज कर गया हूँ। तो प्राउड इन दैट सेंस इज ए वेरी गुड इन एवरी रिस्पेक्ट, इट इज ए सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट बाई द लोकल पीपुल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली टू सी द एक्सटर्नल इशू को, या फॉरेन इशूज को, या मिलिट्री सिक्योरिटी को, बस उसका कोई मतलब नहीं। इकोनॉमी, जहाँ तक इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बात है, उसको लोकल आदमी पर छोड़ देना चाहिए, यह प्राउड का कहना है, ताकि उसका जो इंटरेस्ट जगेगा कि मुझे हमको कलेक्टिव कैसे मैनेज करना है, कलेक्टिव। और मैं आपको प्राउड का कहना है कि भारतवर्ष में 54 सोशियो इकोनॉमिक जोन, बहुत अच्छा, वेल डिफाइंड है ना। अब एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, शायद आप लोगों के नॉलेज में नहीं होगा, जब तेलंगाना का और इसका क्या नाम है, हैदराबाद का जब डिवीजन होने लगा था आंध्र प्रदेश का, तो हम लोगों ने बैठ करके 8-9 दिन तक हैदराबाद में एक रिपोर्ट बनाया, क्योंकि सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने कहा था कि भाई इस जो है इसको डिवाइड करना है, तो दो स्टेट बनाना है, तो कोई आप लोग बताइए कैसे हो सकता है कि नहीं, क्योंकि दोनों में कंफ्लिक्ट हो रहा था कि हमको हैदराबाद मिलना चाहिए, हैदराबाद मिलना चाहिए, ये एरिया मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो हमारे प्राउड के मुताबिक हम लोगों ने बहुत अच्छा एक ड्राफ्टिंग किया, बोला लेट देयर बी ओनली वन स्टेट एज रिगार्ड दी गवर्नेंस, एज रिगार्ड दी, क्योंकि दो चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे, दो गवर्नर हो जाएंगे, फिर ये हो जाएगा, कितना उसका पैसा बर्बाद होगा, तो लेट देयर बी ओनली वन गवर्नमेंट एट दी आंध्र प्रदेश लेवल एंड देयर विल बी थ्री सोशो इकोनॉमिक एरियाज मैनेज बाई द कोऑर्डिनेटिंग बॉडी एंड दैट बॉडी शुड बी कंप्राइज ऑफ द पीपुल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। अब तीन में सरकार, जो हम लोगों ने कहा है, सरकार का भी है और आंध्र का भी है और तेलंगाना है, हम लोगों ने कहा था लेट देयर बी वन गवर्नमेंट, एक चीफ मिनिस्टर एक ही हो, चीफ सेक्रेटरी एक ही हो, गवर्नर एक ही हो, मगर सोशल इकोनॉमिक जोन में एक वहाँ का डेवलपमेंटल प्लानिंग बनाने के लिए उस लोगों को बना दिया जाए। और हम लोगों ने इसको जब सबमिट किया तो इतना अप्रिशिएट किया, माई गुडनेस, दिस इज समथिंग न्यू, नो बडी हैज टोल्ड अस अबाउट दिस। हम लोगों ने प्राउड की लाइन में उसको बना करके दिया, मगर उन्होंने कहा
आठ लोगों ने, मैंने 7 लोगों ने दिया था, और 8 लोगों ने, हमारा 8वां था, तो उन्होंने कहा आचार्य जी इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इन द सेंटर ही इसको माने इंटरेस्ट है, उसका अपना इंटरेस्ट है, वो अपना। देखिए दिस इज समथिंग व्हाट प्राउड सेज इज, दो वी टॉक ऑफ दिन एट द नेशनल लेवल। मैं तो अभी कह रहा था कहीं पे, मुझे बोलना था भाई, कांग्रेस इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द नेशन, बीजेपी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द नेशन, आम पार्टी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द नेशन इंटरेस्ट, सब लोग तो इंटरेस्ट बात ही कर रहे हैं, तो क्यों नहीं सभी मिलकर के एक एक पार्टी बना ले। वाई देर शुड बी बीजेपी पार्टी, वाई देर शुड बी कांग्रेस पार्टी, वाई देर ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग द सेम थिंग, माने फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, एंड लेट देर बी डिबेट एमंग द टॉप लीडर ऑफ द पीपुल, भाई अब सब मिल करके इस राष्ट्र को चला लें। ये प्राउड कहता है, प्राउड कहता है देर शुड नो पार्टी एंड शुड बी पार्टीलेस डेमोक्रेसी एंड इट कैन बी मैनेज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। श्री पीआर सरकार कहता है व्हाई देयर शुड बी पार्टी टू मैनेज इवन एक सोशियो इकोनॉमिक जोन आर वन कंट्री, व्हाई ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट, ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट द डिफेंस, ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग विद इंडस्ट्रीज, ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग विद एजुकेशन, ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग इरेडिकेट द पॉवर्टी, व्हाई नॉट दे शुड कम टुगेदर एंड मेक वन फॉर्म। इसको कहते हैं ये जो सोशियो इकोनॉमिक मैक्सिमाइजेशन और सोशियो इकोनॉमिक इंटेंसिव मिनिमाइजेशन। अब होता क्या है कि मैं इस पर कभी बोलूंगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी व्हेन इट इज गाइडेड बाय द सेल्फ इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट और पार्टी इंटरेस्ट, पार्टी देयर इज नो नथिंग लाइक पार्टी इंटरेस्ट, ए पर्सन हु इज द हेडिंग द पार्टी ही और शी इज टॉकिंग अबाउट हिज ओन इंटरेस्ट, तो दे हैव मेड द पार्टी एंड दे क्लेम दैट दैट पार्टी इज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। नो, इट इज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल हु इज हेडिंग दैट पार्टी। इसको कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की मिनिमाइटीज प्राउड के मुताबिक। तो दे टॉक ऑफ द नेशन, तो दे टॉक ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल, बट नो पर्सनल इंटरेस्ट सामने में। तो मैंने आपके सामने में, आई एम सॉरी, आई थिंक आई हैव टेकन मच टाइम, जस्ट आई हैव गिवन ए सम आउटलाइन। तो दो तीन चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला तो है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का कोई ओनरशिप किसी इंडिविजुअल के नहीं है। क्यों? क्योंकि आप नथिंग यू कैन मेक ओरिजिनल, कुछ आप पैदा नहीं कर सकते। इवन योर बॉडी, यू आर नॉट ओनिंग योर बॉडी, इवन इंटेलेक्ट, व्हाट एवर द नॉलेज यू हैव, यू आर नॉट द ओनर, एंड विद द हेल्प ऑफ द नॉलेज व्हाट एवर यू डेवलप या थ्योरी बनाते हैं या कुछ सुपरा लेवल, सुपरा साइकिक लेवल पे कुछ आप और एक नया रिसर्च करके देते हैं, उसका भी आप ओनर नहीं है। यू कैन नॉट। आज तो बहुत हैं जो मेडिसिन बना लेते हैं तो मेडिसिन का ओनरशिप ले लेते हैं और उसको वो क्या बोलते हैं ओनरशिप लेकर के रजिस्टर करवाते हैं, तो ऐसा होता नहीं है। तो पहला तो यह हुआ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मैंने कहा था मंडेन, देन सुपरा मंडेन मीन्स समथिंग अबव द मंडेन, देन फिजिकल एंड देन ह्यूमन, ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ह्यूमन एग्जिस्टेंस का शरीर मन और आपकी जो सुपरा साइकिक फैकल्टी है वो, और एक एक जोन में भी रहने वाला, जैसे छत्तीसगढ़ में है, कौशल में है, और या तेलंगाना में है, या केरला में है। लेट द पीपुल लिविंग देयर दे शुड वर्क, दे शुड मैनेज द इकोनॉमिक टुगेदर कीपिंग दिस होल फैक्टर इन देयर माइंड, और ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट और इवन द स्टेट गवर्नमेंट शुड ओनली जस्ट सुपरवाइज दैट समथिंग रॉन्ग इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस देयर, बट द मैनेजमेंट विल बी डन, प्लानिंग शुड बी डन बाय द लोकल पीपुल विच वी कॉल ब्लॉक लेवल प्लानिंग। ब्लॉक लेवल मीन्स प्लानिंग मीन्स से फॉर केरला में देर में भी 10-20 ब्लॉक्स कीपिंग दी, 4-5 फैक्टर को है, 5-6 फैक्टर को, तब बहुत अच्छा प्राउथ में है, 5-6 तत्वों को सामने में रख करके वी शुड मेक द प्लानिंग एंड ईच एरियाज शुड बी कंसिडर एज ए कोऑर्डिनेटिंग टू द होल केरला, क्योंकि केरला तमिल से नहीं हो सकता है, तमिल आंध्रा से नहीं हो सकता है। यदि किसी चीज की जरूरत पड़ती है
जैसे कि नारियल की जरूरत पड़ती है हमको, जस्ट आई एम गिविंग एग्जाम्पल, नारियल की मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं वहां से नारियल लूंगा, और वहां पर यदि गेहूं नहीं होता है या वहां पर सेब नहीं होता है या वहां पर और कुछ नहीं होता है तो मैं उसको सेब दूंगा और मैं वहां से नारियल ले लूंगा। एंड दैट शुड बी मैनेज बाई दी लोकल प्लानर, और उसको मैनेज करेंगे एट दी टॉप लेवल, दैट दी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि बार्टर सिस्टम प्राउथ के मुताबिक है एज फार एज पॉसिबल, नॉट द बुलियन सिस्टम, ताकि उसमें कोऑप में एक सस्टेनिंग जो इकोनॉमी है, वही उनका कहना है कि प्राउथ का। तो मेरा कहना है रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन एंड इन द सेंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड दैट शुड बी प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव इन द सेंस कि आज हम हैं। एक और मैं बताना चाहता हूँ कि मनुष्य भी उतने उलझे में हुए हैं अपने कपड़ा मकान, और बोलते हैं फ्री में हम बिजली दे रहे हैं, फ्री में पानी दे रहे हैं, फ्री में मकान बना रहे हैं, फ्री में हम कर रहे हैं, दिस इज समथिंग विच इकोनॉमी डज नॉट परमिट। आप उसको दास बना रहे हैं, आप उसको गुलाम बना रहे हैं, आप उसको परचेस कर रहे हैं, आप उनका मेंटल ग्रोथ को रोक रहे हैं, उसके आप उसको डिमोरलाइज कर रहे हैं। अरे ह्यूमन बींग्स आर ह्यूमन बींग एंड दे मस्ट बी डिवाइन, दे मस्ट बी स्पिरिचुअल बींग, और ये आप ना करके उसको आप क्या कर रहे हैं, यू वॉन्ट टू मेक देम सबसर्वियंट टू यू, लॉयल टू यू। ये कितना बड़ा एक मौकरी है, ये कितना बड़ा एक दुश्मनी है, इनह्यूमन, आई शुड नॉट दुश्मनी, इनह्यूमन, एनिमिकल है टू द ह्यूमैनिटी। ये प्राउड कहता है क्यों आप उनको इतनी सामर्थ्य दीजिए कि वो खुद ही अपने पैरों पर खड़े हो जाए, उनके लिए मैनेजमेंट करिए, तो ये डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में हर आगे। अब क्यों आएगा, बिहार के आदमी देखिए जा करके केरला में है, जा करके सूरत में है, जा करके बॉम्बे में है, जा करके वहाँ है जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है, उन लोगों को मर्डर भी कर दिया टेररिस्ट लोगों ने, आप यहाँ से भागे, व्हाई दे शुड माइग्रेट, लेट देम टू मैनेज देयर इकोनॉमी इन बिहार। सिमिलरली कितने बच्चे जो हैं भाग उड़ीसा के जा करके यहाँ दिल्ली में बसे हुए हैं, कितने लोग जा करके बॉम्बे में करते हैं, क्या उसको तो ये जो इकोनॉमी का मैनेजमेंट जो है डिसेंट्रलाइज ना होकर सेंट्रलाइज हो गया, और वन एरिया इज डेवलपिंग एंड रेस्ट ऑफ द एरियाज आर बिकमिंग पुअर एंड पुअर फ्रॉम ऑल द पॉइंट ऑफ व्यू, और उनका रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंटेलेक्ट रिसोर्सेज, देन अदर रिसोर्सेज, नॉट इवन इन इंडियन लेवल, जस्ट माई गिव दें, अब जितना देखिए बेस्ट चावल, बेस्ट फूड, बेस्ट फ्रूट्स इंडिया का बाहर चला जाता है, क्यों जाएगा भाई, क्यों देगा हमारे लोगों ने जो आंध्र प्रदेश के हैं या छत्तीसगढ़ के हैं, बहुत अच्छा चावल पैदा करते हैं, या वो जो फ्रूट्स है अल्फांजो, हम इंडिया को खाने को नहीं मिलता है और बाहर में चला जाता है। तो प्राउड कहता है लेट एवरीबडी लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया लिव विद डिग्निटी, लिव विद देयर हेड्स अप, यस आई एम हियर एज ए ह्यूमन बींग एंड आई वॉन्ट टू लिव विद स्माइल, विद सेटिस्फेक्शन एंड पीसफुल लाइफ, ये प्राउड का कहना है। तो मैं आप लोगों के सामने में थोड़ा आउटलाइन दिया हूँ, जरूरत पड़े तो आप मुझे दीजिए, फिर एक एक को करके मैं आपको आप लोगों के सामने रखूंगा, यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, एंड एनी क्वेश्चन वेलकम, क्वेश्चन सर वेलकम, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, आचार्य वंदन। हियर मैं अभिषेक जी को बुलाना चाहूंगा, और अभिषेक जी आप और भी कुछ हमारे जो भी यहाँ पर साथी हैं, मेधा अतिथि गणपति शास्त्री जी, महक जी, आपके मन में भी कोई प्रश्न है? पहले अभिषेक जी आप अपनी बात रखें। धन्यवाद आचार्य जी, और बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद वंदनंद दादाजी। ये जो प्राउड का विषय है, जिस प्रकार से आपने हम लोगों को बताया और समझाया, इससे बहुत सारे जिसे बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुए।
लेकिन ये एक थ्योरिटिकल चीज नहीं है, इसका प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरा एक प्रश्न है, थोड़ा सा अजीब भी हो सकता है। ये जो प्राउड का या प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी है, तो ये थ्योरी जो है इस पर काम कुछ पॉकेट्स में कहीं हुआ, कुछ हमारे पास मॉडल्स हैं जिन मॉडल्स पे हम बात कर सकें? जैसे आप ओडिशा की बात कर रहे थे, या फिर किसी देश के अन्य हिस्से हम का, बेवकूफ कहीं वैसे पे भी कुछ बेटा किया है, गया है। भगवान को भी चढ़ाई नहीं, बच्चों को बांट दी कल से पैदल। बच्चे दादा कंटिन्यू भी जी। हमने अभी तक से वर्ल्ड में कहीं पर भी हमने इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। इसका कारण यह है, जो कैपिटलिस्टिक जो पैटर्न में जो गवर्नमेंट है, यद्यपि हर जगह पूरे वर्ल्ड में बोलते हैं कि हम ये हैं ये हैं ये हैं, मगर है नहीं, सभी कैपिटलिस्ट हैं, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे कम्युनिस्ट कंट्री हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे साउथ अमेरिका में आई हैपन टू बी देयर इन पेरू एंड अर्जेंटाइना में मैं गया था। बल्कि मज़ेदार की आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के करीबन 16 टॉप रैंक इंडस्ट्रीज मनी कैपिटलिस्ट लोगों ने जो वहाँ का चलाते हैं, वो उन्होंने 3 4 दिन बैठ करके प्राउड को स्टडी किया। प्राउड को स्टडी करने के बाद हमारा जो वहाँ का हमारा जो सन्यासी है, अच्छे प्राउड के ज्ञाता भी हैं और भी लोकल हैं, उन लोगों को बुलाया और बोले कि हम लोग इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। होता है क्या है कि स्ट्रेटजी कैपिटलिस्ट इतना श्रूड होता है, बना करके अपना इतना स्टडी करता है, तो उन्होंने ऑफर भी किया, हम आपको मदद कर देंगे, ये कर देंगे ये कर देंगे, यहाँ तक कि हमारा जो हेडक्वार्टर है उसमें यहाँ तक की बात हुई, यहाँ का कैपिटलिस्ट, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 2 3 लोग हम लोग अप्रोच किया, हम आपके लिए कॉलेज खोल देंगे, मेडिकल सेंटर खोल देंगे और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी खोल देंगे, बस आप हम लोगों को वहाँ एक्सेस दीजिए। 500 एकड़ हमारे जमीन है हेडक्वार्टर, जहाँ पुरुलिया में आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने अलाउ नहीं किया, वी डिड नॉट अलाउ, क्योंकि कैपिटलिस्ट इतना शुरू होता है और अपना इंटरेस्ट को सामने में रख करके लोगों को पंगु बनाता है और इतना पंगु बना देता है कि उनको कमजोर करता है 4 चीजों में। पहला, उसको करप्ट करेगा पैसे के माध्यम से, या ड्रिंक के माध्यम से, या आ, आ, पार्नोग्राफी या सेक्सुअल वीकनेसेस को जगा करके। उसके बाद उसको इमोरल बनाएगा, इमोरल बनाने के बाद उसको मेंटली डिरेल कर देगा, जहां उसका मोरल फोर्स खत्म हो गया, उसका विल पावर खत्म हो गया, फिर उसको रूल करेगा। दिस इज वॉट यूरोपियन आई मीन द ब्रिटिशर व्हेन दे केम टू इंडिया दे डिड द सेम थिंग। जितने भी यहाँ का लोग थे, यहाँ छोटे छोटे राजा लोग थे, उनको क्या किया, उनको यही किया, बाहर की लड़की लाके दे दिया, शराब दे दिया इम्पोर्टेड, सिगरेट भी दे दिया, और उसको जो यहाँ का जो मोरल हाई था और एक लोगों में भाईचारा की बात थी, सबको तोड़ दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, इंडिया को इंडिपेंडेंट देना है तो रूलर उसको बनाओ जो यहाँ का ज्ञान हासिल किया हो और शरीर वहाँ का भारतीय। तो ये हमें दिक्कत क्या हुई है अभी तक से, इसलिए तो मैं कहा था आपको कि प्रभात रंजन सरकार को जेल में डाला गया और उनको मारना गया, और उनको 4 MP मिलने गए, 4 MP में समर गुहा थी जी थे, अटल जी थे, और एक यूपी का था क्या नारायण करके तिवारी जी थे, और उन लोगों ने गुरुदेव को कहा और उन्होंने कहा कि आप प्राउड का नाम होना बंद कर दीजिए, आप स्पिरिचुअल टॉक करिए, योग की बात करिए, साधना की बात करिए, मेडिटेशन की बात करिए, हैं लोगों को स्कूल खोलिए, कोई बात नहीं, आप बहुत हम लोग छोटे छोटे स्कूल खोले हैं, अभी 1400 स्कूल कर इंडिया में चल रहा है। तो उन्होंने कहा
प्राउड ही एक ऐसा है जिसके लिए मैं इस समाज का कल्याण करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए अभी बात हो रही थी, आप लोग कह रहे थे ना, काम अर्थ धर्म मोक्ष। काम का मतलब टू मेंटेन, टू सस्टेन द फिजिकल बॉडी। टू सस्टेन द फिजिकल बॉडी मीन्स वी नीड मिनिमम रिक्वायरमेंट, दैट इज अवर नीड। और उसके लिए जैसे कि कपड़ा है, मकान है, पानी है, हवा है, भोजन है, बच्चों का एजुकेशन है, चिकित्सा है, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशंस है, ये हमारे फिजिकल नीड है, ये काम में आता है। और अर्थ मीन्स नॉट द धन, अर्थ मीन्स मेंटल, जो हमारा मानसिक बंधन है, हमको बांध दिया गया है। हम जातियों में, भाषाओं में, हमको जेंडर में, हमको लैंग्वेज में, ये क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक जोन में बांध दिया गया है। तुम बिहारी हो, या तुम छत्तीसगढ़िया है, या तुम कौशली है, तुम बंगाली है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये जो बांट दिया गया है ना, इसका ये बंधन है। और इस बंधन को तोड़ने के लिए जो हमें चाहिए, पहला फिजिकल हमारे नीड पूरा हो जाए और हमारा एजुकेशन इतना अच्छा हो जाए, सबका मेंटल लिबर्टी हो जाएगी। इसे बताया न्यूमनिज्म इज ए साइकिक लिबर्टी, मेंटल लिबर्टी। मेंटल वो बंधन में नहीं रहना चाहिए, क्यों रहेगा आदमी का बंधन? उसको इतना उन्मुक्त महान बनना है, उसका देवता बनना है, परमात्मा की ओर जाना है, उसको बांध देता है, ये कुंठित कर देता है। तो अर्थ का मतलब यहाँ है माइंड को लिबरेट कर, टू लिबरेट द माइंड। हाउ माइंड कैन बी लिबरेटेड? इट कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन द काम इज सस्टेन्ड। काम अर्थ, तब धर्म। धर्म इज ए साइको स्पिरिचुअल अप्रोच, और मोक्ष इज ए लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स मोक्ष। तो पहले काम, फिर इसके बाद अर्थ, उसके बाद धर्म, उसके बाद मोक्ष। मोक्ष नहीं मिल सकता है आदमी को जब तक से वो धर्म के पथ पर नहीं चलेगा। धर्म की पथ पर नहीं चल सकता है जब तक उसका माइंड लिबर्टी में नहीं रहेगा। और जब माइंड की लिबर्टी, तब तक नहीं हो सकता है जब उसका काम का मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो सकता है, नहीं तो समाज ऐसे ही रह जाएगी। तो कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, ये पहले काम को हिट करता है, फिर उसके बाद उसको बेहतर माने वो उसको बंधन करता है, मन को, उसका माइंड को पंगु बना देता है, मोरल की दृष्टि से, करप्शन के माध्यम से, ब्राइब के माध्यम से, या उसको जातीयता के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से, रिलीजन के माध्यम से उसको पंगु बना दिया। अब उसको रूल कर रहा है, तो फिर वो धर्म का काम नहीं कर सकता है। ये जो आज आप देख रहे हैं, ये धर्म नहीं है, यह एक साइको इकोनॉमी बेस्ड एक सेंटिमेंट है, इसको लोगों के बारे इम्पोज कर दिया है। टुडे रिलीजन मीन्स साइको इकोनॉमी इशूज है, ये धर्म नहीं है। इट इज नॉट धर्म। ह्यूमन धर्म इज ओनली वन। हाउ इट कैन बी? ह्यूमैनिटी इज वन, ह्यूमन अप्रोच टू द इंफिनिटी इज वन, एंड ह्यूमन धर्म इज वन, एंड ह्यूमन गॉड इज वन। अब ये बांध दिया गया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, मैं एग्री करता हूँ कि हमने कहीं नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि हमको गवर्नमेंट प्रमोट नहीं कर रही है, या हमको सपोर्ट नहीं कर रही है। क्योंकि वो जानते हैं, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का अभी आई शुड से टुडे इन द कैपिटलिस्टिक पैटर्न ऑफ द गवर्नेंस, जितने भी नेता है प्राउड में लिखा हुआ है, यदि किसी व्यक्ति को करप्ट होना है तो नेता बन जाए, बिना नेता बने वो करप्ट माने करप्शन हो ही नहीं सकता। नेता बना मीन्स करप्ट हो गया। इसलिए प्राउथ में कहता है तो कलेक्टिव मैनेजमेंट, कलेक्टिव लीडरशिप, नॉट इंडिविजुअल लीडरशिप, मिनिमाइटीज मैंने आपको कहा था। तो आनंद मार्ग में आप जानते हैं, हमारे आनंद नगर में हम लोगों ने शुरू किया, शुरू शुरू में हमारा वहां पर 5 सन्यासी को मारा, जब वो सब ज्योति बसु थे वहां का चीफ मिनिस्टर, फिर ज्योति बसु के चीफ मिनिस्टरशिप में हमारा 18 सन्यासी को दिन दहाड़े मार दिया, एकदम कत्ल कर दिया। कहाँ? तिलजला के जो कलकत्ता के लाइक माने डे में देवर कमिंग, हम प्रोग्राम करने के लिए रोक रोक करके मार दिया। और उसके इंक्वायरी मांगने के लिए हम लोगों ने कहा आज तक इंक्वायरी नहीं बिठाया। और एक आईएएस ऑफिसर ने देखा कि
कि इसमें अन्याय हुआ है, और उन्होंने सबमिट किया कि नहीं मैं जानता हूं कि किनका किनका हाथ है और उसमें ज्योति बसु का हाथ जा रहा था। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, हमको कोई प्रमोट नहीं किया, क्यों? क्योंकि वी स्टैंड फॉर मोरलिटी, वी स्टैंड फॉर स्पिरिचुअलिटी, वी स्टैंड फॉर वन ह्यूमन बींग, ह्यूमैनिटी, डोंट लाइक इट। और एक और बता देता हूँ, शायद आपको मालूम होगा कि ये पुरुलिया में आर्म गिरा, एक औजार गिराया था, जाकिरा गिरा था प्लेन से, और वो हमारा हेडक्वार्टर है उससे 14 किलोमीटर दूर। कहाँ पर? वो लाल किला एरिया में, जिसको बोलते हैं लाल किला झंडी एरिया, वहां पर गिरा। मगर आनंद मार्गियों को इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया, हमारे बहुत से सन्यासियों को पहले रखा, इंक्वायरी किया, कुछ मिला नहीं, नथिंग। मगर इतना हराज किया, इतना मीडिया में हमको बदनाम किया। मैं कहना क्या चाहता हूँ, टूडेज इफ यू वॉन्ट टू सी दैट द मॉरलिस्ट इफ दे कम टूगेदर, गवर्नमेंट एट एवरी लेवल विल गो टू द स्टैंड टू सी दैट दिस मॉरल पीपुल गेट डिवाइडेड, गेट करप्टेड। इसलिए प्राउड का कहना है, मॉरलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, मॉरलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। इसलिए हम कहीं नहीं कर पाए, हमको सपोर्ट ही नहीं मिल रही है, और जो सपोर्ट करते हैं लोकल लीडर का, मैं आपको क्या बताऊं, ये जो आपका ममता को हम लोगों ने बहुत मदद किया इन एवरी रिस्पेक्ट, जब वो पावर में नहीं थी तो, और जब वो पावर में आ गई तो हम लोगों ने कहा कि रेलवे वहाँ है स्टेशन, उनको थोड़ा बड़ा कर दीजिए हमारे हेडक्वार्टर में, सी रिफ्यूज्ड। क्यों? क्योंकि सी इज सराउंडेड बाई ऑल द कम्युनिस्ट लीडर। इसलिए बहुत रिवॉल्यूशन की जरूरत है, रिवॉल्यूशन इन टू एस्पेक्ट, आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, आइडियोलॉजिकल मीन थिंकिंग, लेट द पीपुल कम टुगेदर इंटेलेक्चुअली स्पेशली, एंड इंटेलेक्चुअल मीन्स द पर्सन हैविंग द एजुकेटेड बैकग्राउंड, नॉट नॉलेज। एक इंटेलेक्चुअल होता है कुछ नहीं है, है ना? तो आज के जो इंटेलेक्चुअल है, खास करके भारत में, विदेशों में, आपको मैं लेफ्ट ओरिएंटेड है, मेरा तो बहुत बात होती है, मैं आपको क्या बताऊं। उन लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि आचार्य जी ऐसा है ऐसा है, आप क्यों यहाँ पर आनंद मार्ग में है, आप आइए, और उनके थिंकिंग देखिए लेफ्ट ओरिएंटेड। चाहे वो जादवपुर यूनिवर्सिटी के हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हों, यहाँ का दिल्ली का जो भी बड़े बड़े लिखे हैं, ऑल थिंकर्स ऑल राइटर्स आर लेफ्ट ओरिएंटेड, दे आर नॉट प्रोग्रेसिव, उसके सामने में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ऑल दिस थिंकर, ऑल दिस प्लानर, ऑल दिस मीडिया पीपुल, ऑल दे आर प्रो कैपिटलिस्ट, दो दे कॉल दे आर प्रोग्रेसिव थिंकर, बट नो, दे आर नॉट प्रोग्रेसिव थिंकर। इसलिए हम कहीं नहीं बना पाए अभी, मगर बहुत थिंकिंग हो रही है, बहुत डिस्कशंस हो रहे हैं। आपको मैं इंटरनल बात बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के 14 जजेस बुलाए, आप, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 3 साल पहले बोले आप लोग प्राउड को सामने में लाइए, इस देश को बचाना है, देश को बचाना है, तो आप लोग ओपन होकर जाइए। मगर हम लोगों को ओपन आने में बहुत दिक्कत हो रही है, जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं, इतना सुंदर प्राउड है, मैं आपको बताता हूँ, आप पढ़ेंगे ना, यू विल बी सरप्राइज टू सी हाउ दिस प्राउड। क्योंकि हम पीछे जा नहीं सकते हैं, पीछे में से हैं, कैपिटलिस्टी के रास्ते हम क्षत्रिय एरिया में नहीं जा सकते हैं, या इंटेलेक्चुअल एरिया में नहीं जा सकते हैं। प्राउड का कहना है, सोशल डेवलपमेंट जो है, पहले शिव के टाइम में शूद्र युग था, कृष्ण के टाइम में क्षत्रिय युग था, मध्य काल पीरियड में विप्र युग आया, अब विप्रो का खत्म हो गया, ये सब सब सर्वेंट हो गए हैं लक्ष्मी की, सरस्वती चली गई, गणेश चली गए, चले गए, गणेश मीन्स लीडर, सरस्वती मीन्स इंटेलेक्चुअल, और कौन आ गया है, लक्ष्मी, लक्ष्मी हावी हो गई है, सरस्वती नीचे बैठ गई, गणेश भी नीचे बैठ गए। तो लक्ष्मी जब डोमिनेट करना शुरू करे तो करप्ट कर देगी, यह नियम है, धन जिसके पास आएगा वो करप्ट होगा ही, इसीलिए कहते हैं कलेक्टिव मैनेजमेंट, नो ओनरशिप, नो इंडिविजुअल ओनरशिप, ये प्राउड कहते हैं।
ये जो युग है कैपिटलिस्टिक एरा, हम विपणन एरा में नहीं जा सकते हैं। विपणन एरा मन बड़े बड़े वो आचार्य लोग होते थे, बड़े बड़े पंडित लोग होते थे, बड़े बड़े ये जो पुरोहित लोग होते थे, ये समाज को कितना आगे ले गया। दो पीरियड होता है, मैनिफेस्टेटिव फेथ एंड मोशनलेस फेथ। हर पीरियड का ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा काम किया, मगर ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व तो खत्म हो गया तो शोषण का एडाप्ट कर लिया, जैसे दासी प्रथा आ गई, या जैसे कि ये सती प्रथा आई, या जैसे कि बहुत से कि शादी नहीं कर सकते विधवा लोग करते थे, और कहाँ करना है कि तुमको गया में ले आना है, तुमको मथुरा में आना है, तुमको वहां लाना है, उसका शोषण किया, ये विप्रो ने किया। इसी तरह से क्षत्रिय एरा, क्षत्रिय एरा का भी दो पीरियड आया, तो क्षत्रिय समिट कर गए विप्रो के हाथ में, आचार्यों के, और आचार्य गुरुकुल बनाना शुरू किया, फिर आचार्य के लड़के करप्ट हो गए। अब उसके बाद कैपिटलिस्टिक एरा आ गया, अब कैपिटलिस्टिक में करप्शन हो गया, ये जाएगा कहाँ? वी कैन नॉट गो बैक टू दी विप्रन एरा, वी कैन नॉट गो बैक टू दी क्षत्रिय एरा, वी कैन नॉट गो बैक टू दी शूद्रन एरा, वी हैव टू गो अहेड, दैट इज दी एरा ऑफ न्यू ह्यूमनिस्टिक। लेट अस लिव टुगेदर, लेट अस प्लान टुगेदर, लेट अस गो अहेड टुगेदर, ये प्राउड है। ओम संगच्छत् आवाज फट रही है आपकी? द्वं समो मनांसि जानतां देवा भागम यथा पूर्वे संजननाम उपासते। सो आई थिंक इट इज प्राउड एंड whatever you have explained so far has been maybe evolved from this or may not have, but there are some and great thank you Acharya Vandananda ji. थैंक यू, Abhishek थैंक यू। ji, yeah, Abhishek ji, I hope you got your answer from Acharya Vanji's explanation. Abhishek ji, I hope you are there. Yes, Hello, I am listening. Please, Abhishek ji. yes. Please put your point. Put some of my thoughts in this regard with the permission from Acharya Vandananda ji. Yeah, please, please See, go in ahead. chemistry there is one saying for Please, every chemistry. the organizer, not In me. chemistry they say this reaction happens. Can I? Okay, and Acharya Antarangji, sir, also I take the permission from Acharya Antarangji even, and all of you. In chemistry, they say at normal temperature and so that what is that normal temperature and pressure? In the same way, the drought happens in some kind of environment or ecology or economy or whatever, and some kind of maturity of each individual participating in it. And to plant a sapling, we first prepare the ground, earth, so that we, when it is planted, it grows. In the same way, for the sprout to spread or to be implemented, we need certain kind of normal temperature and pressure and ground working. Only when it can grow, that is what is my whole understanding. Please take it forward, Abhishek ji, from here, and Acharya Vandananda. थैंक यू। तो और कोई क्वेश्चन है? देखिए, प्राउत को मुझे समझने में आज सन्यासी बने हुए मुझे 60 साल और 7 महीना हो गया, और गुरुदेव के बहुत चरणों में बैठ करके मैंने बहुत सीखा, मुझे बहुत बताए भी, और मैंने बहुत क्लासेस भी दिया, विदेशों में भी दिया। तो प्राउत एक ऑल कॉम्प्रिहेंसिव
मैनेजमेंट है इकोनॉमी का, नॉट ओनली इकोनॉमी, उसको उन्होंने ये भी कहा है जैसे कि पीपुल्स इकोनॉमी, एक बड़ी मजेदार के तो साइको इकोनॉमी। आजकल क्या होता है, मनुष्य के मन को बेच लिया, खरीद लिया जाता है, कैसे, मीडिया के माध्यम से। बोले कि 5 रुपया में आप बहुत खूबसूरत हो जाओ, अब 5 रुपया कमे वो करोड़ रुपए कमा लेता है, उसको कोई खूबसूरत होता नहीं। इसको बोलते हैं उनकी जो फीलिंग है खूबसूरत होने के शरीर में, उसको परचेस कर लिया वो, और कोई भी प्रोडक्ट दे दिया, साइको इकोनॉमी, और माइंड को डिरेल कर दिया। उसी तरीके से मीडिया के माध्यम से कैपिटलिस्ट क्या करता है, शराब बेचता है, लिखा हुआ है शराब पीना हानिकारक है, मगर शराब बेच रहा है, सिगरेट बेच रहा है, तंबाकू बेच रहा है, ड्रग बेच रहा है, ओपन हमारे भाइयों और बहनों को ओपन कर दिया। तुम दोस्त है, इंडिया में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कंसेप्ट ही नहीं था, मगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को प्रमोट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि लिविंग इन रिलेशनशिप, व्हाट इज दिस कैपिटलिस्टिक, क्यों, क्योंकि लोगों को आप इमोरल बनाओ, इमोरल बनाओगे रूल करो उसको, डिरेल कर दो। पहले आदमी जब कमजोर हो जाता है ना शरीर से, मन से, नैतिक बल से, तो आर्थिक बल भी कमजोर हो जाता है, चाहे वो कितना भी पैसा वाला क्यों ना हो। इसीलिए ह्यूमैनिटी इज ए प्राइम फैक्टर, ह्यूमैनिटी डिविनिटी इज ए मीडिया एंड स्पिरिचुअलिटी इज द गोल। हम ह्यूमैनिटी ही नहीं, हम कहते हैं कि हम लोगों का सिविलाइजेशन 15,000 साल का है, मगर अभी भी हम जानवर जैसे रह रहे हैं, हमने सीखा ही नहीं है कि हमको कैसे रहना चाहिए, क्योंकि हमको डिरेल कर दिया है। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो प्राउड कहता है कि नहीं, ह्यूमन बींग्स आर ह्यूमन बींग एंड दे शुड लिव विद ह्यूमन वैल्यूज, और उसके लिए कलेक्टिव मैनेजमेंट करो टुगेदर एज ए फैमिली मेंबर टुगेदर। एनी अदर नो क्वेश्चन प्लीज फ्रॉम एनी ब्रदर और अनुज सिस्टर। जी, आ, आ, शास्त्री जी, अंतरंग जी, अनुज जी कुछ बोलेंगे? आज मेरे गले में प्रॉब्लम है, आज मैं नहीं बोल आपको कोई पाऊंगा। प्रश्न है क्या? मेरे गले में आज प्रॉब्लम है, आज मैं नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा ठीक है। एक्चुअली आपने एक लिखा था दादा, वो सीक्वेंस है जो चार पुरुषार्थ का, वो है धर्म अर्थ काम मोक्ष। यानी उन्होंने ये लिखा अनुज जी ने अपने मैसेज बॉक्स में कि जो ये जो सीक्वेंस है वह यही है कि हम लोग जो ये पुरुषार्थ की बात करते हैं, डेवलपमेंट का जो प्रोग्रेस का जो सिस्टम है वो धर्म आधारित है। तो धर्म के बाद अर्थ और फिर काम और मोक्ष, ये उन्होंने इम्प्रूवमेंट का लिखा है। तो आप ऐसे काम अर्थ धर्म मोक्ष बोल रहे थे, तो उसके बारे में अनुजी का ये कहना था कि धर्म आधारित अर्थ और धर्म अर्थ आधारित फिर काम और फिर मोक्ष, ये उनका उन्होंने लिखा था अभी। ही इज राइट, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो मूल आधार चक्र में 5 लेटर्स हैं, वह स इसका बीज मंत्र है। धर्म का है वह, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो जो स्वयंभू लिंग है, और शंभू लिंग मीन्स सहस्रार चक्र में, जहां से हमारा चित्त उन्हें केंद्रित है, कॉन्शसनेस जो हमारा चेतन शक्ति जो है, आध्यात्मिक शक्ति जो है, वो सहस्रार चक्र में, और उसको बोलते हैं शंभुलिंग का स्थान है, स्वयंभुलिंग का स्थान है कि नीचे में जो हमारा मूलाधार चक्र में 4 लेटर्स हैं, काम धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म आधार है। मैं तो एक्सप्लेन किया काम को और अर्थ को, ये दोनों भी मैनेजमेंट से रखता है, जब धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होंगे। धार्मिक प्रवृत्ति डज नॉट मीन कि जो आज वर्तमान में है, हाँ वो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो नो प्लीज नो। धर्म इज ए, कृष्ण ने जो पाठ पढ़ाया धर्म का,
शिव ने जो हमें भागवत धर्म की बात कराई है वो धार्मिक है। बहुत से लाखों में मठ बैठे हुए हैं, मुझे माफ करना, मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा हूँ, एक मठ वाले दूसरे मठ को डाउन करने में लगे हैं, निंदा कर। आज भारत की इकोनॉमी को, भारतवर्ष की एजुकेशन में, भारतवर्ष के नैतिक बल को बनाने में क्या सहयोग है? लाखों लोग बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे लोग। हमारे शंकराचार्य ने चार मठ बनाए, चारों मठ के शंकराचार्य आपस में बात नहीं करते, माफ करना। तो ये नहीं है धार्मिक, धर्म अर्थ काम मोक्ष, माने अर्थ का मैंने क्या कहा, लोग मैं एक बार जा रहा था तो प्रवचन दे रहे थे, बड़ा अच्छा गैदरिंग भी थी, एक साधु, और अर्थ का मतलब धन से ही बता रहा था, और कोई उदाहरण भी दे रहे थे, मुझे आश्चर्य हुआ। और काम का मतलब वो सेक्स से बता रहा था, ये नहीं है। काम का मतलब होता है हमारी इच्छाएं, हमारा फिजिकल पेबुला, हमारी शरीर को कायम करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है, जिससे हमको सुख मिलता है, इंद्रिया सुख मिलता है, उसको पूर्ति कर देना, यह काम। और मन को लिबर्टी चाहिए, हमें उसको गांठ पड़े आया जातीता में, और या मोह माया में, या जो इसमें माया मोह का मैंने गलत अर्थ नहीं मान लीजिएगा, दुनिया बोलते हैं माया मोह है तो दुनिया छोड़ो, नहीं, शंकर भी यहीं रहे, कृष्ण भी यहीं रहे, आनंद मूर्ति जी भी यहीं रहे, बड़े बड़े संत लोग यहीं रहे, तो ये माया नहीं है, ये दिस वर्ल्ड इज नॉट ए माया, दिस वर्ल्ड इज ए ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड टू सी दैट द चिल्ड्रन लिव विद हैप्पीनेस। अब यही है काम, उसको जानने के लिए कैसे रहना है, इसमें आता है अर्थ, तब आता है मोक्ष। तो बात ठीक ही बोल रहे हैं, काम अर्थ धर्म, काम जो है अर्थ धर्म जो है वो बेस है, उसका बीज मंत्र है वाह, और धर्म अर्थ, अर्थ का बीज मंत्र है सा, और उसके बाद दूसरा सा, फिर लास्ट सा है वही सब, वो है मोक्ष। उसके ऊपर में जाएंगे तो 6 लेटर्स हैं, उसके ऊपर में जाएंगे तो 10 लेटर है, उसके ऊपर में जाइए तो 12 लेटर है, उसके बाद यहाँ पे कंठ में है, स्वाधिष्ठान में, सॉरी विशुद्ध में 16 लेटर्स हैं। तो हमारा जितने भी लेटर्स हैं, सिर्फ अक्षा को छोड़ करके, हा और अक्षा, तो ये जो है ये लेटर्स का कोई बीज मंत्र नहीं होता है, इसीलिए उसको कहता है अक्षर ब्रह्म, ये स्पिरिचुअलिटी का है। तो ये जितने भी हमारे चक्रास हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहता, विशुद्धा, ये पांचों तत्व के बेस हैं, और हमारा एग्जिस्टेंशियल एग्जिस्टेंशियल प्रोपोर्शनेटली इसको मेंटेन करने के लिए पांचों तत्व की जरूरत है, और ये पांचों तत्व तब हम मेंटेन कर पाएंगे जब हमारा मिनिमम नीड्स पूरा होगा, ठीक से खाना मिलेगा, हमारे ठीक से मन को एक अच्छा सा डायरेक्शन मिलेगा, जिसका आज्ञा चक्र सेंटर है तो माइंड उसी में लगा हुआ है कि मेरे लिए बच्चों के लिए कपड़ा चाहिए, शिक्षा के लिए पैसा चाहिए, मेरे को मकान चाहिए, मेरे को औषधि चाहिए, मेरे को ये चाहिए ये चाहिए, तो उसका तो ये पांचों के मन की ही तरफ मन जो है नीचे की ओर चलाया। तो हमारे एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, और हर आदमी को साधना करना चाहिए। साधना मीन्स टू गो डीपर इन टू द कॉन्शसनेस, यू रेज योर माइंड फ्रॉम द फिजिकलिटी टू द साइकिक लेवल, एंड फ्रॉम द साइकिक लेवल द साइको स्पिरिचुअल लेवल, एंड देन अल्टीमेटली स्पिरिचुअल लेवल। तो ये मनुष्य का जीवन है, और हम आज बहुत जानते हैं, हमारे शिव ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, हमारे कृष्ण ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, आनंद मूर्ति जी इस फील्ड में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। तो वो आप जो कह रहे हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यूर राइट, मैं तो एक्सप्लेन करने के लिए कहा था, फिजिकल नीड देन साइकिक लिबर्टी देन साइको स्पिरिचुअल अप्रोच, दैट इज धर्म। तो धर्म तभी होगा जब ये दोनों पूरा हो जाएगा, और माइंड लिबर्टी होगा जब फिजिकल नीड पूरा होगा। तो फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए श्री प्रभात नंद सरकार ने प्रारूप दिया है, माइंड का लिबर्टी हो जाए उसके लिए उन्होंने न्यू ह्यूमनिज्म दिया है, कंसेप्ट दिया है, और फिर साधना में तब हम आ गए। पैसा ही नहीं है आपके पास खाने के लिए, दिन रात दौड़, मैं तो देखो मैं सुबह टहलने जाता हूँ, मोटरसाइकिल से कितना सामान ला करके, बिस्कुट तिस्कुट ब्रेड वगैरह लेकर के दौड़ रहे हैं, घूमते हैं लोग। तो मैंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो, हर मैं दुकान में देता हूँ और मैं पैसा ले लेता हूँ, रात को शाम को पैसा लेता हूँ, क्या करूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मकान का किराया,
इज 24 आवर इंगेज टू अर्न ए लिटिल मनी टू मेंटेन हिज फैमिली एंड हिमसेल्फ. इफ यू आस्क हिम टू डू मेडिटेशन सोशल सर्विस ही कैन नॉट डू इट. इसलिए कहते हैं प्राउड रहो. प्राउड में एवरीबडी विल गेट सफिशियंट नीड. ऑल मिनिमम रिक्वायरमेंट विल बी गारंटीड. 100% एम्प्लॉयमेंट. 100% प्राउड गारंटीज 100% एम्प्लॉयमेंट. एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट. वॉट ए ब्यूटिफुल कंसेप्ट. ये मैं कहना चाहता. बहुत बढ़िया। तो अभिषेक जी, मैं निवेदन करूंगा कि इसको कंक्लूड करें जैसा अभी वंदन दादा ने कहा और अनु जी उसको एग्री कर रहे हैं कि वो धर्म एक्चुअली वही है कि आज जो रिचुअल्स के नाम पे जो धर्म की बात हो रही, तो अनु जी वही लिख रहे थे कि बेसिकली ये उससे ऊपर है। और धर्म के बारे में हम लोग तो बहुत बातें कर चुके हैं और हम लोगों ने उसको स्थापित भी किया है कि धर्म दरअसल यह सब जो पूजा पाठ और रिचुअल्स है यह धर्म नहीं है। धर्म तो मानवता और भगवत धर्म से जुड़ी हुई बातें हम लोग कर चुके हैं। वृहदेशना प्राणी ध्यानम च धर्म, उस अनंत सत्ता के साथ एकाकार होना। तो अभिषेक जी, मैं निवेदन करूंगा जो अभी हमारे मेधातिथि शास्त्री जी ने अभी जो श्लोक बोला, एक्चुअली वो आधार है इसका, प्रभु के दर्शन का। संग छद्म संग दध्वम संगो मनानुसि जानताम देवाभागम या था पूर्व संजय नाना उपासति। और अंत में अभी वंदन दादा ने जो धर्मार्थ काम मोक्ष को जो कुंडलिनी योग से जोड़कर बीज मंत्र के साथ जो अक्षर वर्ण के बारे में जो बताया, यह बहुत उच्च कोटि की साधना पद्धति जो भगवान शिव का दिया हुआ है। तो इसकी आवश्यकता है जिसको साधक वर्ग जब करेंगे, जिन्हें अनंत श्री प्रभातानंद सरकार ने सद्विप्र कहा है, जो विप्र शूद्र वैश्य क्षत्रिय चारों वर्णों को एक साथ जीते हैं और सबके कल्याण के बारे में सोचते हैं और आध्यात्मिक नैतिकवान स्पिरिचुअल मोरलिस्ट होते हैं, तो वो चक्र केंद्र सद्विप्रा चक्र नियंत्र का। तो उनको उन्होंने जो वर्ण की व्यवस्था की बात बताई और उन्होंने वर्ण प्रधानता चक्र धारायाम चक्र केंद्र सदुत्रा चक्र नियंत्र का, नहीं, इस व्यवस्था के साथ उन्होंने ये कहा है। मैं अभिषेक जी आपसे निवेदन करूंगा कि इसको आप आज की व्यवहारिकता के साथ अभी कंक्लूड करें। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत धन्यवाद आपको. हम और मैं बहुत बहुत धन्यवाद वंदन दादा जी. ये जो आज का विषय था प्राउड, वो जब हम लोगों ने 2 दिन पहले प्लान किया था, तो जी इसमें जो आर्थिक पक्ष था हाँ उसको ध्यान में रख के वो किया था. और साथ ही साथ जो एक मेरा एजम्पशन था कि ये जो प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी है, इसको जमीन पे बिना सरकारी सहयोग के उतारा जा सकता है. लेकिन जो अभी की चर्चा में मुझे लगा कि शायद ये अभी तक इसका कोई भी मॉडल सक्सेसफुल मॉडल नहीं बन पाया, तो उसकी वजह यही थी कि कोई किसी प्रकार का सरकारी सहयोग नहीं मिला, किसी तरह का वो नहीं मिल बाधा पाया, बाधा बिल्कुल मिला ही नहीं, बाधा भी दिया था. बाधा भी दिया. जी, हाँ तो अब वो बाधा दिया तो मैं बाधा की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस बात को जरूर करूंगा कि हमें बाधाएं कितनी भी आए, लेकिन एग्री एग्री इस थ्योरी को एक प्रैक्टिकल सक्सेसफुल मॉडल में, चाहे वो एक गांव में ही बनाया जाए, एक छोटे क्षेत्र में ही बनाया जाए, एक ब्लॉक में ही बनाया जाए, उसको बनाने की दिशा में काम करना होगा. जी वो कभी भी मतलब वो परिस्थितियां नहीं बनेंगी कि सभी लोग
नैतिकवान, आदर्शवान और संस्कारी हो जाएं और तब जाकर हम ये करें, और सरकार भी हमारे जैसी सोच की हो जाए, तो ये बड़ा ही विलक्षण संयोग होगा। ऐसा संभव होता नहीं दिखाई देता निकट भविष्य में भी। तो इन सब चीजों में जो अभी वर्तमान में हमारे पास जो संसाधन हैं, जो लोग हैं, उनके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उस पर हम चर्चा करें, उस पर सोचें, जी और उसके लिए दो चार जगह चिन्हित की जाए और वहां पे ये काम शुरू हो, तो शायद उनमें से एक दो जगहों पर हम कुछ अच्छा रिजल्ट दे पाए। और जब हम एक रिजल्ट दे पाएंगे, तभी शायद इसको हम लोगों को एक चैलेंज करके बोल सकते हैं कि ये मॉडल जो है, ये मॉडल आज के परिवेश में जहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, माइग्रेशन की बात हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, तो उसके लिए ये एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है। और जहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की, जहाँ हम बात कर रहे हैं गरीबी की, जहाँ हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की, तो उन सब के लिए ये सॉल्यूशन, जी हमें उस दिशा में काम करना होगा। जी और मतभेद आवश्यक है, लेकिन अगर मतभेद न रखा जाए और उस दिशा में बढ़ा जाए तो वो बेहतर होगा। नाम कुछ भी दिया जा सकता है, क्योंकि बहुत से जी लोगों को नाम में भी ऑब्जेक्शन हो सकता है, तो नाम भी कुछ भी दिया जा सकता है। लेकिन साथ में मिल करके, और जो अभी शास्त्री जी ने श्लोक बोला, संगच्छध्यम संवदध्यम, इसी पे जो मूल है हमारे संस्कृति का, इस पे काम करने की आवश्यकता है। बस मेरा इतना ही कहना है। मैं आचार्य अंतरंग जी से कहूंगा कि समय हो चुका है हमारा, आप अंत में इसको समराइज करके आज की सभा को वो करें। अंतरंग जी, धन्यवाद। आचार्य जी, मैं वंदन दादा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मिलेंगे भी जल्द। अंतरंग जी जी, तो मैं अंत में हमारे आचार्य वंदन दादा को हार्दिक अभिनंदन के साथ सहृदय धन्यवाद देता हूँ, और हमारे मेधातिथि गणपति शास्त्री जी, जो गणपति मुनि, जो रमण महर्षि के साथ रहकर उन्होंने दर्शन, जो वैदिक दर्शन है, उसको आगे बढ़ाया। तो और हमारे जो अनुज जी, आज उनकी बातें हम सुन नहीं पाए। अनुज जी एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो इस धर्म, जो सही धर्म है, उसकी परिभाषा के लिए हम लोग साथ में आज काम कर रहे हैं। अभिषेक जी ने जो मिशन उठाया है पुरुषार्थ अभियान का, जिसमें धर्म पर हम लोगों ने काफी महीनों तक चर्चा किया, अभी उसके बाद हम लोग अर्थ के इस दृष्टिकोण पर हम लोग, उन्होंने प्राउड से शुरुआत किया, इसके लिए उनको साधुवाद कि आज जैसा आचार्य वंदना दादा कह रहे थे कि अभी समय आ गया है कि लोग चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स और जो कल्चर, ह्यूमैनिटी, मतलब सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं, मानवीयता और सामाजिकता और अर्थव्यवस्था, इन सबों को मिला करके जीने की जो जीवन परंपरा, और अंत में अध्यात्म आधारित, धर्म आधारित जो परंपरा है, उसके लिए प्रौद्ध एक बड़ा ही सही दर्शन है, जिसके लिए जो श्लोक, तो हमेशा से हम लोग हर हमारे जितने भी स्कूल हैं, आश्रम है, सब जगह, और जो धर्म चक्र होता है हमारा, वह भी इसी से शुरू होता है। संगच्छध्यम संवदध्यम संगो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनान उपासते, समानी युवा गुदी समाना हृदय निवा समाना सुमन यथा वह शुषा शक्ति। यानी लेट अस मूव इन यूनिशन, लेट अस नो आवर माइंड्स इन यूनिशन, एंड विद दिस यूनिफाइड कॉन्शियसनेस लेट अस मेक वन ह्यूमन सोसाइटी बेस्ड ऑन धर्म। तो ये जो जो बातें हैं, उसको
हम लोग आज मिलकर जो जिस पर आज नंदन दादा ने कहा कि सारी व्यवस्था को कोऑपरेटिव में लाने की आवश्यकता है, तो इसीलिए उस कोऑपरेटिव का भी आधार यही है, संगच्छोद्यम संगोदय। अब आप हम सब यूनाइट हो मिले, और अभिषेक जी ने कहा कि नाम कुछ भी हो लेकिन संगठन की आवश्यकता है। इसीलिए और जो पुरुषार्थ अभियान जब शुरू हुआ, तो पुरुषार्थ अभियान जो स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज जो भारत माता मंदिर के संस्थापक, और फिर बाद में उन्होंने आचार्य सभा जो शुरू किया, तो वो उनका मिशन यही था। उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले यही बात कहा जो आनंद मूर्ति जी ने कहा कि दिस मॉरलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड शुड यूनाइट। उन्होंने भी यही कहा कि आप लोग अपने अपने मन भेद और अलग अलग मतभेद भी हो, तब भी मत बात अलग अलग हो, आपके विचार अलग अलग हो, फिर भी सभी जो आध्यात्मिक नैतिकवान धार्मिक लोग हैं सब एक हो, और एक होकर एक प्लेटफॉर्म पर इस एक मानव समाज को स्थापित करने का काम करें। इस तरह से आज एक दिख रहा है कि एक मिशन ऐसा बनेगा, और हम लोग एक मानव वसुधैव कुटुंबकम समाज, भगवान कृष्ण भगवान शिव के जमाने से चला रहा है, इसको हम लोग सब स्थापित कर पाएंगे। ओम शांति शांति शांति। परम पिता बाबा की जय। जय श्री राधे कृष्ण। हरि ओम तत्सत। भावनाम केवलम। धन्यवाद। नाम केवलम पंडित सबको धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।